नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ शाओमी इंडिया के द्वारा जो दो नए लॉन्चेस किए गए हैं। एक तो लॉन्च आपको पता ही होगा कि MIUI का वर्जन 10 आ चुका है और वो आपको जून के लास्ट तक उसका अपडेट मिल जाएगा। और एक नया जो सस्पेंस था कि कौन सा फ़ोन शाओमी 7 तारीख को लॉन्च करने वाली है, वो फ़ोन भी लॉन्च हो चुका है और बहुतों को आप लोगों में से पता भी चल चुका होगा। तो मैं कुछ की फ़ीचर्स और कुछ कंपैरिजन्स दिखाने वाला हूँ उस फ़ोन के बारे में, और कुछ फ़ीचर्स MIUI 10 के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। तो चलते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि MIUI 2 का जो है कुछ इस तरह से फ़ोन आपको मिलेगा। आगे से 5.99 इंच की 18:9 एस्पेक्ट रेशियो में आपको यहाँ पे फ़ोन मिल रही है, और पीछे से बिल्कुल Redmi Note 5 Pro की तरह ही इसका इंटरफेस है। वर्टिकल कैमरा सेटअप यहाँ पे आपको मिल जाता है, एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, MI की ब्रांडिंग मिल जाती है। बात करें यहाँ पे बैक कैमरा की, रियर कैमरा की, तो 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको कैमरा मिल रहा है, जहाँ पे 12 मेगापिक्सल नॉर्मल पिक्चर्स लेगा और 5 मेगापिक्सल का जो है वो डेप्थ सेंसिंग का काम करेगा। और फ्रंट कैमरा जो यहाँ पे आपको मिल रहा है MI का, वो मिल रहा है आपको 16 मेगापिक्सल का Redmi Y2 में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही MI ने Note 5 लॉन्च किया जिसमें कैमरा सिर्फ और सिर्फ 5 मेगापिक्सल का दिया गया है फ्रंट कैमरा, और बोके इफेक्ट भी नहीं है। और यहाँ पे आपको रियर और फ्रंट दोनों में बोके इफेक्ट मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है काफ़ी अच्छी और काफ़ी बजट में है, तो काफ़ी फोन्स को ये टक्कर देने वाली है। आगे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट तो होते ही रहता है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कलर अगर देख लें आप, तो यहाँ पे आपको 4 कलर्स मिलने वाले हैं, गोल्ड, रोज गोल्ड, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्रे, और ब्लैक यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा कलर अभी अवेलेबल हुआ है ऑफिशियल MI के MI.com जो है ऑफिशियल वेबसाइट MI का, उस पर कब तक आता है। यहाँ पे आपको जो प्राइसिंग है वो आप देख सकते हैं कि Redmi Y2 की 9,999 रुपये में आपको 3 GB और 32 GB का वेरिएंट मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है, और 12,999 में आपको 4 GB और 64 GB का वेरिएंट मिल जाएगा। फ्लैगशिप लेवल का AI फ्रंट कैमरा यहाँ पे MI कह रही है कि है, और AI पोर्ट्रेट सेल्फी यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। 12+5 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा है, लार्ज 1.25 UM का पिक्सल है, ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 625 यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर में कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन इस प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर अच्छा है क्योंकि आपको Redmi Note 4, Redmi Note 5 सबों में स्नैपड्रैगन 625 ही मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पे। 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में ये बनाया गया है प्रोसेसर। और स्क्रीन की बात मैंने आपसे कर लिया, 5.99 इंच की है, जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो में, जो कि काफ़ी अच्छा है। और AI फेस अनलॉक भी इसमें आपको मिल जाएगा, AI ब्यूटी पाई 4.0 मिलेगा, जो कि Xiaomi के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया कि वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। और यहाँ पे जो सिम का स्लॉट है वो आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलने वाला है, हाइब्रिड नहीं है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज में, और बहुत ही ज़्यादा स्लिम फ़ोन है। नेक्स्ट इमेज की तरफ जाएं तो ये फ़ोन जब आप ख़रीदेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। ICICI बैंक के थ्रू अगर आप ये फ़ोन ले रहे हैं तो 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ले रहे हैं, फर्स्ट सेल के लिए ये ऑफ़र है। और उसके बाद जो है एयरटेल 4G का जो ऑफ़र दिया गया है एयरटेल की तरफ से, वो है 1800 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक और 240 GB तक का डेटा। तो ये आपको 12 जून के बाद से जो सेल है उसमें आपको मिलने वाला है, और ये MI.com और Amazon.in एक्सक्लूसिव है, क्योंकि Flipkart काफ़ी घपला किया था MI Note 5 और Note 5 Pro में, इसलिए हमको लगता है Xiaomi इस बार
अपने Y2 का जो है सेल वो Amazon को दे दिया गया है। तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है। बात करें फर्स्ट सेल की तो 12 जून 2018 को है 12 बजे से दोपहर को, और Amazon.in, MI Home और MI.com तीनों जगह मिलेगा। अगर आपके शहर में MI Home है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और नंबर लगा सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, 4GB 64GB की 12,999 है और 3GB 32GB की 9,999 रुपये। अब करें प्राइस कंपैरिजन की तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ने जो थे Xiaomi के ऑफिशियल्स, उन्होंने तीन फ़ोनों के साथ इसका कंपैरिजन किया। और Y2 जो है मेरे हिसाब से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो लगभग सबकी सेम है, बैटरी सेम है, प्रोसेसर अलग है, प्रोसेसर सिर्फ Y2 और Moto G में स्नैपड्रैगन है, वो भी Moto G में, G6 में स्नैपड्रैगन 450 है। प्रोसेसर के मामले में भी सबसे अच्छा Y2 ही है। और उसके बाद कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा के मामले में Y2 सबसे अच्छा है, यहाँ पे AI पोर्ट्रेट मोड भी मिल रहा है साथ साथ। और रियर कैमरा में भी इस रेंज में डुअल कैमरा मिल रहा है पोर्ट्रेट मोड के साथ, तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिल रहा है यहाँ पे आपको। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क है, बट आपने देख चुका है कि प्राइसिंग इसकी 3GB वाले वेरिएंट की मात्र 9,999 रुपये है। ऑनर 9 लाइट 10,999, मोटरोला की G6 जो है वो 13,999 और 13,990 है सैमसंग गैलेक्सी J6 की। तो प्राइसिंग में तो ये सबको मात दे रहा है और सबको पीछे छोड़ देगा। उसके बाद अगर बात करें हम प्राइस कंपैरिजन इसके थोड़े हाई रेंज वाले फोन्स के साथ, तो Vivo V9 की प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं 22,990 है 4GB 64GB वेरिएंट की। सैमसंग गैलेक्सी J7 Duo भी 17,000 के आसपास है 4GB 32GB वेरिएंट की। और यहाँ पे आपको Redmi Y2 4GB और 64GB वाला वेरिएंट मिल रहा है मात्र 12,999 यानी कि 13,000 रुपये में। तो काफ़ी प्राइस में अंतर है और आपको फ़ोन जो है बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, मैं कहूँ अगर तो उससे अच्छा ही आपको मिल रहा है प्रोसेसर। और बाकी बात सारे कुछ कैमरा के मामले में तो खैर बहुत ही अच्छा, और जब MIUI 10 का जब अपडेट आ जाएगा तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये फ़ोन। ये कुछ फोटोज़ आप देख रहे हैं जो ये MIUI 10 के बारे में है, और रिप्रेजेंटेटिव ये बता रहे थे कि अब जो आ गया है MIUI 10 की ज़रूरत थी क्योंकि अब फुल स्क्रीन फुल HD प्लस स्क्रीन्स आ गए हैं, तो उसके रिजोल्यूशन के हिसाब से सेट करने के लिए सब कुछ काफ़ी अच्छा कर दिया गया है MIUI 10 में। और MIUI 10 की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो नई नई निकल के आई हैं सामने, वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो एस्पेक्ट रेशियो की बात तो मैंने जो की, 16:9 पहले आती थी, फिर अब 18:9 हुई और 19:9 हो चुकी है एस्पेक्ट रेशियो। तो सबको फॉलो करते हुए सबसे अच्छा जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन हो वो अब सेट हो जाएगा खुद से कोई भी Xiaomi का जो डिवाइस होगा जिसको MIUI 10 का अपडेट मिलने वाला है। उसके बाद फुल स्क्रीन डिस्प्ले जेस्टर्स भी मिलने वाला है यहाँ पे आपको, और MI के ऑफिशियल्स जो हैं वो कहते हैं कि MIUI 10 फास्टर देन फास्ट है, और इसी चैंट के साथ इन्होंने MIUI 10 लॉन्च किया है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि MIUI 10 का कमाल क्या है, कि अब आपको यहाँ पे Redmi Note 5 के भी रियर कैमरा से पोर्ट्रेट मोड मिलने वाला है। और ये आप देख सकते हैं Redmi Note 5 के ही कैमरा से खींचा गया है, और बैक कैमरा का ये फ़ोटो है, और काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट मोड आया है जो कि MIUI 10 के अपडेट के बाद हो पाएगा। तो आपको जून लास्ट तक MIUI 10 का अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ की फीचर्स जो है, फास्टर देन फास्ट, न्यू डिज़ाइन फॉर फुल स्क्रीन, नेचर साउंड्स एंड एम्बिएंट नॉइज़, यहाँ पे आपको नेचर का साउंड और एम्बिएंट नॉइजेस मिल जाएंगे, AI पोर्ट्रेट मोड्स मिल जाएंगे सिंगल कैमरा फ़ोन के लिए भी। तो सबसे अच्छा फीचर यहाँ पे ये है कि जो Redmi Note 4, Redmi Note 3 के भी यूज़र्स थे उनको भी यहाँ पे MIUI 10 के अपडेट के बाद में मिलने वाला है पोर्ट्रेट मोड, यानी कि बोके इफेक्ट का लुत्फ वो उठा पाएंगे बिना Redmi Note 5 Pro या Y2 खरीदे हुए भी। और Redmi Y2 में तो आपको ये मिलने ही वाला है बिना MIUI 10 के भी, और MIUI 10 आने के बाद
काफ़ी अच्छा हो जाएगा उसका फीचर्स। उसके बाद डीप लर्निंग एल्गोरिदम बेस्ड ऑन 1 लाख प्लस फोटोज़ है। उसके बाद यहाँ पे आप ये Y2 के लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है वो Vivo V9 में कैप में थोड़ा सा ब्लर कर दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी J7 Duo में तो पूरी तरह से कैप को ब्लर कर दिया गया है एजेस पे, और Redmi Y2 में आप देख सकते हैं एजेस काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट किए गए हैं। तो ये सारे जो आप सैंपल्स देख रहे हैं ये लॉन्च के दौरान ही दिखाया गया है। MIUI 10 बीटा रोल आउट शेड्यूल जो है वो मिडिल ऑफ जून बताया जा रहा है, बट लास्ट ऑफ जून तक तो आ ही जाएगा। और जो सपोर्टेड डिवाइसेस हैं वो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि किस किस डिवाइसेस को MIUI 10 मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi Note 3 का सेल्फी कैमरा जो कि MIUI 10 के अपडेट के बाद पोर्ट्रेट मोड ले पा रहा है। सोच भी नहीं सकते थे कि कभी MIUI 10 की 10 आने वाला है या फिर क्या होने वाला है, बट Redmi Note 3 में पोर्ट्रेट मोड नहीं आने वाला ये तो पक्का था, पर ये आ चुका है। काफ़ी अच्छा अपडेट है ये MIUI 10 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं Vivo V9 और Redmi Y2 का एज डिटेक्शन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं Vivo V9 ने साइड्स को ब्लर नहीं कर पाया और यहाँ पे Y2 जो है एक्यूरेट ब्लरिंग कर रहे हैं बैकग्राउंड को। यहाँ पे कुछ सैंपल्स हैं, यहाँ पे आप बेस्ट सेलिंग सेल्फी फोन्स आप देखे तो Xiaomi का Redmi Y1 सबसे ज़्यादा बिका है, इसलिए शायद Xiaomi ने Redmi Y2 निकाल दिया और वो भी पोर्ट्रेट मोड के साथ। टॉप 10 सेलिंग स्मार्टफोन्स ऑनलाइन इन 2018 क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में जो सबसे ज़्यादा सेलिंग हुआ है जिसमें से 9 out of 10 जो है वो Xiaomi है। तो काफ़ी अच्छी ये बात निकल के आ रही है। और यहाँ आप देखिए Redmi Note 4 यूजर्स जो है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है कि रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों में आपको बोके इफेक्ट मिलने लगेगा, सिर्फ MIUI 10 के अपडेट के आने की देरी है, उसके बाद आपको सारे फीचर्स यहाँ पे मिलने लगेंगे। MIUI वर्ज़न 1 से लेके वर्ज़न 9 तक 2010 से अभी तक आ चुका है और अब UI 10 आने वाला ही है, लॉन्च हो चुका है, बस अपडेट आने की देरी है। और ये कुछ सैंपल्स हैं, जैसे कि ये ऐप लॉन्चिंग जो है, स्पीड जो है आपकी ऐप लॉन्च करने की वो 5 सिस्टम ऐप्स प्लस टॉप 25 पॉपुलर ऐप एक साथ लॉन्च की गई है MIUI 10 में, जो कि इन्होंने दिखाया सैमसंग गैलेक्सी J6 में 8-10 में ही वो रुक गई, उसके बाद वो नहीं कर पा रही थी लॉन्च एक साथ। उसके बाद सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे मिल रहा है आपको, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड एक्टिविटी मैनेजमेंट मिल रहा है, लॉन्च स्पीड बूस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आप अपनी स्पीड को, अपने फ़ोन के स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे बात करें तो सबसे मेन जो इसका हाईलाइट है वो है बोके इफेक्ट। MIUI 10 जिस भी फ़ोन में दिया जा रहा है उस फ़ोन में रियर और फ्रंट दोनों कैमराज में बोके इफेक्ट बिना किसी सॉफ्टवेयर के मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ये अपडेट आया है Xiaomi की तरफ से। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि सभी Xiaomi फैंस के पास ये पहुँच जाए और पता चल जाए कि MIUI 10 के अपडेट के बाद उन्हें भी पोर्ट्रेट मोड मिलने वाला है, चाहे Redmi Note 3 क्यों ना हो। तो ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग अपडेट Xiaomi के द्वारा किया गया है। और Redmi Y2 भी जो फ़ोन है वो इस बजट में काफ़ी अच्छा है। मैं एक और वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो दोनों के लिए अलग से बनाने वाला हूँ, तो काफ़ी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही टेक से जुड़े न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।